नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं एक कम्पटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर निमरा सुंडा जी ने लिखा है। इसका हम पढ़ने वाले हैं फ्रूट प्रोडक्शन, और फ्रूट प्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, बेर और गुआवा के प्रोडक्शन के बारे में। बेर और गुआवा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और जितना भी कंटेंट इस बुक में दिया गया है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और साथ ही समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी डिजीज़ लगती है, कौन कौन से इंसेक्ट और पेस्ट लगते हैं, इसके साथ साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं, उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और उनको कैसे याद किया जा सकता है, इन सभी के साइंटिफिक नेम या फिर बोटेनिकल नेम के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में मैंने दो क्रॉप ले रखा है, एक तो वेर है और दूसरी है गुआवा। इस वजह से ले रखा है क्योंकि ये दोनों क्रॉप्स काफ़ी छोटी छोटी सी हैं, तो इसीलिए मैंने दोनों को एक ही में कंपाइल कर दिया है कि जिससे आप एक ही लेक्चर में दोनों फसलों के बारे में अच्छे से पढ़ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो बेर होता है इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है। तो बेर का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है जिसिफस मोरिटियाना। क्या होता है? जिसिफस मोरिटियाना। इसका जो बेस्ट टाइम होता है प्रूनिंग करने का, बेर से एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वो क्वेश्चन है कि बेर का प्रूनिंग टाइम क्या होता है। तो बेर का जो प्रूनिंग टाइम होता है वो अप्रैल मई के महीने में किया जाता है राजस्थान में। अब एक बात समझना, केवल बेर ही एक ऐसा है जिसका प्रूनिंग थोड़ा ऑड टाइप में है, मतलब मई में किया जाता है, अप्रैल मई में। नहीं तो ज़्यादातर जो बेर होता है नहीं तो ज़्यादातर जो पौधे होते हैं उनकी हम जो प्रूनिंग होती है वो जनवरी के मंथ में करते हैं, मतलब ठंडियों में करते हैं। केवल यही एक है जिसको हम गर्मी में करते हैं। और इसके साथ साथ आपने पढ़ा होगा, मैंने इंस्टेंट हार्टिकल्चर में पढ़ाया भी है, जो ग्रेप होता है उसमें भी समर प्रूनिंग करी जाती है। बेर क्रॉप इज़ हैवली ड्रास्टिकली प्रून। बेर की जो क्रॉप होती है इसको बहुत ज़्यादा प्रून करते हैं, बहुत हैवी प्रूनिंग की जाती है। इसमें थोड़ी मोड़ी प्रूनिंग नहीं होती, जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें बहुत कम प्रूनिंग होती है उसको लाइट प्रूनिंग बोलते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें हम थोड़ा मॉडरेट प्रूनिंग करते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें हम बहुत हैवी प्रूनिंग करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पार्ट काट कर निकाल देते हैं। तो इसमें बेर में क्या होता है कि काफ़ी हैवी मात्रा में प्रूनिंग करी जाती है, काफ़ी हैवी प्रूनिंग होती है, बेर का ज़्यादातर पार्ट काट कर निकाल दिया जाता है। अगर हम वेराइटीज़ की बात करें तो डोहिया इसकी एक वेराइटी है, जो कि फ्रूट फ्लाई जो लगता है बेर में, इस तरीके का फ्रूट फ्लाई होता है, इसके प्रति रेजिस्टेंट वेराइटी होती है। नाम क्या है? रेजिस्टेंट टू फ्रूट फ्लाई। इस वेराइटी का नाम है दोधिया। क्या वेराइटी है? वेराइटी का नाम है दोधिया। इसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी वेराइटीज़ की जो अर्ली वेराइटी होती हैं, कहने का मतलब ऐसी वेराइटीज़ जो मार्केट में बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाती हैं। सीजन का जब स्टार्टिंग होती है, बेर आना जब स्टार्ट होती हैं, तो यही सब वैरायटी देखने को मिलती हैं। इसमें से जो अर्ली वैरायटी हैं वो सभी ड्राई एरिया में ग्रो करने के लिए उपयुक्त होती हैं। ऐसे एरिया में जहाँ पर गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उस एरिया में जहाँ पर इरीगेशन की सुविधा कम होती है वहाँ पर अर्ली वैरायटी लेते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो बेर जो होता है वो आपका मार्च के आसपास में देखने को मिलता है, और इसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे गर्मी आती है उस समय इसकी प्रूनिंग कर देते हैं। इसलिए जो अर्ली वेराइटी है वो बहुत ही जल्दी मार्केट में आ जाती है। इसका सबसे बड़ा ये रीज़न है क्योंकि ड्राई एरिया में इसको ग्रो किया जाता है, तो वहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी है। इसमें अगर हम अर्ली वेराइटी की बात करें तो गोला है, उसके बाद है कैथाली, और एक वेराइटी है सेब। सेब वेराइटी की खास बात यह होती है कि ये इसका जो मॉर्फोलॉजी होती है, मतलब ये देखने में सेब जैसा लगता है, जिस तरीके का सेब होता है, सेब का आकार जैसा होता है, बिल्कुल उसी आकार का ये बेर भी पाया जाता है। इस वैरायटी का नाम है सेब। ठीक, तो सेब ये ज़रूर याद रखना कि सेब किसकी वैरायटी है, ये बेर की वैरायटी। काफ़ी बार कन्फ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, लेकिन ये सेब जो है वो किसकी वैरायटी है? वो बेर की वैरायटी है, सेब सेब की वैरायटी नहीं है। जो मिड वेराइटीज़ हैं, जो मिड सीजन में ग्रो हो जाती हैं, उसमें है मुंडिया, जोगिया, बनारसी और मेहरून। ये जो वेराइटी होती हैं ये मिड सीजन में ग्रो होती हैं, मतलब जब बेर का बिल्कुल पीक टाइम चल रहा होता है उस समय ये मार्केट में देखने को मिलती हैं।
इसके बाद है लेट वैरायटी। लेट वैरायटी में उमरान काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान से इसको ओरिजिनेट करा गया है, मतलब राजस्थान में इसको डेवलप किया गया है उमरान वैरायटी को। इसके बाद है इलायची, ये ट्रिपलेट वैरायटी होती है, फाउंड पोलन स्टराइल। इसका जो पोलन ग्रेन होता है वो स्टराइल होता है। कहने का मतलब ये है कि उमरान और इलायची जो है ये दोनों ही लेट मैच्योरिंग वैरायटी है, काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जाती है। इसके साथ साथ जो आपका कत्था है और उसके बाद पठानी है, ये कुछ वैरायटीज ऐसी हैं बेर की जो कि लेट वैरायटी के नाम से फेमस हैं, जो कि मार्केट में काफ़ी लेट से उपलब्ध होती हैं। अगर हम डिजीज़ की बात करें तो डिजीज़ इसमें लगता है पाउडरी मिल्ड्यू। आपने देखा होगा कि जो बेर की पत्तियां होती हैं उन पे ऐसे पाउडरी टाइप अपीयरेंस देखने को मिलता है, ऐसा लगता है जैसे बेर की पत्तियों पर किसी ने पाउडर छिड़क रखा हो, तो उसी बीमारी का नाम होता है पाउडरी मिल्ड्यू। इस तरीके का सिम्टम बेर की पत्तियों पर देखने को मिलता है। मुझे बेर की पत्ती नहीं मिली तो मैंने दूसरे पौधे की पत्ती दिखा दी, लेकिन जो पत्तियां होती हैं पत्तियों पर इसी तरीके का पाउडरी मिल्ड्यू का जो सिम्टम होता है वो दिखाई देता है। अगर हम इस फंगस के, ये जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है एक फंगल डिजीज़ होता है, अगर इस फंगस के बारे में हम बात करें कि ये कौन सा फंगस है, तो ये फंगस है ओडियम जुजुबी जो होता है, ये पाउडरी मिल्ड्यू जो बेर में लगता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। एक होता है ओडियम मैंजीफेरी, ये मैंगो में जो पाउडरी मिल्ड्यू लगता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने मैंगो पढ़ाया था। इसके बाद हम बात करते हैं इंसेक्ट और पेस्ट की। तो आपकी जो बेर की क्रॉप है इसमें फ्रूट फ्लाई लगता है, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया फ्रूट फ्लाई से रेजिस्टेंट वैरायटी के बारे में। तो ये जो फ्रूट फ्लाई होता है कार्पोमिया बैसुबियाना, इसका साइंटिफिक नेम होता है इस फ्रूट फ्लाई का, इस तरीके से देखने में लगता है। ये फ्रूट फ्लाई जो होता है ये बेर में बेर का जो सेल शेप होता है उसको सक करता है, यानी कि बेर का जो जूस होता है उसको चूसता है, जिससे हमारी जो बेर होती है वो ख़राब होती है। तो बेर में केवल इतना ही था, बेर काफ़ी ज़्यादा इसमें था नहीं कंटेंट। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इंस्टेंट हार्टिकल्चर की जो सीरीज है उसको आप ज़रूर से देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में और बहुत ज़्यादा कंटेंट के साथ अच्छे से पढ़ाया है। अब हम बात करेंगे अगली जो हमारी क्रॉप है जिसका नाम है गुआवा। गुआवा का अगर हम बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो सीडियम गुजावा होता है। कुछ लोग इसको पिसीडियम गुजावा पढ़ते हैं, तो चाहे पिसीडियम गुजावा पढ़ लीजिए चाहे सीडियम गुजावा पढ़ लीजिए, वैसे अगर हम देखें तो ये लिखा है सीडियम गुजावा। तो ये है गुआवा का जो अपना बोटेनिकल नेम होता है। उसके बाद अगर हम फैमिली की बात करें कि गुआवा किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आपकी जो मर्टेसी फैमिली है उस फैमिली से ये बिलोंग करता है आपका गुआवा। प्रैक्टिस ऑफ ट्रैकिंग विंटर क्रॉप इंस्टेड ऑफ रेनी सीजन क्रॉप इज नोन एज क्रॉप रेगुलेशन। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक क्रॉप पढ़ाई थी जिसमें मैंने आपको क्रॉप रेगुलेशन के बारे में बताया था। उसमें बताया था मृग बहार, हस्त बहार और अंबे बहार, ये किस क्रॉप में था? पोमोग्रेनेट में था, बिल्कुल सही। पोमोग्रेनेट में अभी मैंने पढ़ाया था मृग बहार, अंबे बहार और हस्त बहार के बारे में। उसी तरीके से गुआवा में भी होता है, और मैंने जब पढ़ाया था तब भी बताया था कि पोमोग्रेनेट में और गुआवा में ये बहार ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है। तो इसमें क्या होता है, क्रॉप रेगुलेशन करा जाता है कि हमको विंटर की क्रॉप लेनी है, रेनी सीजन की क्रॉप नहीं लेनी है। बात समझना ध्यान से, जैसे गुआवा जो होता है इसमें साल भर में 3 बार फ्लावरिंग और 3 बार फ्रूटिंग और 3 बार हार्वेस्टिंग होता है, ठीक, मृग बहार में, अंबे बहार में और हस्त बहार में। तो क्या किया जाता है कि जो रेनी सीजन वाला जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। कहने का अर्थ ऐसा है कि बरसात वाला जो अमरूद आता है वो बहुत अच्छा अमरूद नहीं माना जाता है। इसीलिए किसान लोग क्या करते हैं कि रेनी सीजन में अमरूद ना लिया जाए, इसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस अपनाते हैं जिससे कि जो बरसात का सीजन है उस सीजन में पौधे पर फूल और फल ना लगें। इसके स्थान पर वो क्या प्रेफर करते हैं कि ठंडी के सीजन में फ्लावरिंग हो और फ्रूटिंग हो, मतलब बरसात के समय में फल नहीं लेंगे, किसी तरीके से रोक देंगे और ठंडी में जो फल आता है उसको लेंगे। इससे कई फायदे होते हैं। सबसे पहला कि सीजन में अगर केवल 2 बार पौधा फल देगा
तो वो अपना वृद्धि और विकास कर पाएगा। उसको अपना खुद का डेवलपमेंट करने के लिए, अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करने के लिए प्रॉपर टाइम मिल पाएगा। अगर वो तीनों सीजन में फ्रूट देता रहेगा, तो एक तो रेनी सीजन का फ्रूट अच्छा होता नहीं है, तो क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, और दूसरी पौधा अगर बार बार फ्रूटिंग करता रहेगा तो उसके जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो अच्छे से हो नहीं पाएगी, फिर धीरे धीरे पौधे का जो प्रोडक्शन है वो घटता चला जाएगा। तो इसी प्रोसेस को कि हम बरसात में फल नहीं लेंगे, ठंडी में लेंगे, तो ये जो प्रक्रिया अपनाई जाती है ऐसा करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं क्रॉप रेगुलेशन टू स्केप अटैक ऑफ फ्रूट फ्लाई। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉप रेगुलेशन का उपयोग करते हैं। अब बात समझना कि जो रेनी सीजन होता है, इस सीजन में फ्रूट अच्छे होते क्यों नहीं है। सबसे पहली कि बार बार बरसात होती है, तो बरसात होने की वजह से अमरूद में मिठास कम हो जाती है, और दूसरा बरसात के सीजन में क्योंकि कीड़े ज़्यादा होते हैं, इंसेक्ट और पेस्ट ज़्यादा फैल जाते हैं, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपका ये गुआवा जो होता है इसमें फ्रूट फ्लाई का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी वजह से आपका जो गुआवा होता है रेनी सीजन में ये काफ़ी ज़्यादा खराब होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि गुआवा बाहर से देखने में बड़ा अच्छा सा लगेगा, लेकिन जब आप उसके अंदर देखेंगे तो आपको अंदर कीड़े मिलेंगे, वही होते हैं फ्रूट फ्लाई वाले कीड़े। इसमें क्या होता है कि फ्रूट फ्लाई बिल्कुल स्टार्टिंग में आती है और इसके अंदर अपना अंडा दे देती है, फिर बाद में वही अंडे धीरे धीरे लार्वा में बदल जाते हैं, तो जो हम खाते हैं तो हमको वो सफ़ेद सफ़ेद से कीड़े देखने को मिलते हैं। इसी वजह से जो रेनी सीजन का गुआवा है इसको अवॉइड किया जाता है कि हम रेनी सीजन का गुआवा ना लें। इसके बाद होता है स्टूलिंग इज द मोस्ट कॉमन एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ गुआवा प्रोपोगेशन। अगर हमको गुआवा का प्रोपोगेशन करना है तो उसके लिए स्टूलिंग मेथड काफ़ी ज़्यादा कॉमन मेथड होता है और बहुत ही सस्ता मेथड होता है गुआवा के प्रोपोगेशन करने के लिए। यह एक तरीके का वेजिटेटिव मेथड ऑफ प्रोपोगेशन है। इसमें क्या किया जाता है कि रूटिंग मीडियम जो होता है, रूटिंग मीडियम का मतलब मिट्टी या ऐसा मीडियम जहाँ पर जड़ का विकास हो सके, उस तरीके की चीज़ों को डालियों तक ले जाया जाता है। इसी को हम दूसरी भाषा में माउंड लेयरिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई एक ये पौधा है, ठीक। अब आपने ध्यान से देखा होगा तो गुआवा में जड़ के पास से ही तीन चार पौधे निकले होते हैं, तो माउंड लेयरिंग में क्या किया जाता है कि जो गुआवा का जड़ होता है उसके पास ऐसे मिट्टी लगे, ऐसे मिट्टी इकट्ठा कर दी जाती है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। फिर क्या होता है कि गुआवा की ये जो पतली पतली छोटी छोटी शाखाएँ निकली होती हैं उनमें यहाँ सब जड़ निकल जाता है। जब यहाँ जड़ निकल जाएगा तो क्या करेंगे कि यहाँ से ऐसे काट के अलग कर लेंगे, पूरा मिट्टी सुधा लेके चले जाएंगे, मिट्टी को निकाल के लेके चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम पौधे का प्रोपोगेशन कर पाते हैं, इसी को हम स्टूलिंग भी बोलते हैं, और इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप होता है माउंड लेयरिंग, ठीक। वैसे जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ये माउंड लेयरिंग का है। स्टूलिंग में क्या होता है कि रूटिंग मीडियम को, जैसे मान लो गमला है कोई सॉरी तो जैसे मान लो गमला है, तो गमले में हम क्या करेंगे, रूटिंग मीडियम को अच्छे से पहले बना लेंगे, मतलब उसमें गोबर की खाद है, मिट्टी है, और भी जो न्यूट्रिएंट है बिल्कुल प्रॉपर बना लेंगे। उसके बाद एक बड़ा सा स्टूल लेंगे, ऊंचा सा, उसी स्टूल पर गमले को रखेंगे, और जो भी गुआवा की हमको अच्छी सी ब्रांच दिखेगी उस ब्रांच को ऐसे मोड़ के उसी गमले में लगा देंगे, इस तरीके से ऐसे मोड़ के ऐसे लगा देंगे। मान लो यहाँ से जड़ है ये बिल्कुल आपका गमले के अंदर हो जाएगा, फिर यहाँ पर धीरे धीरे जड़ निकल जाएगी तो हम यहाँ से काट देंगे, तो हमारा ये नया पौधा तैयार हो जाएगा। इसी मेथड को हम बोलते हैं स्टूलिंग। स्टूलिंग और माउंड लेयरिंग लगभग एक ही जैसे होते हैं। इसके बाद है अलाहाबाद रीजन ऑफ यूपी इज नोन फॉर बेस्ट क्वालिटी गुआवा प्रोडक्शन। अलाहाबाद में जो गंगा नदी का किनारा है उस एरिया में गुआवा बहुत ही अच्छे क्वालिटी का गुआवा प्रोड्यूस होता है। पूरे भारत में सबसे अच्छी क्वालिटी का गुआवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद रीजन में ग्रो किया जाता है। गुआवा कैन टॉलरेट सलाइनिटी बट इट इज ससेप्टेबल टू सॉयल एसिडिटी। कहने का मतलब ये है कि आपका जो गुआवा है वो सलाइनिटी को तो रेजिस्ट कर सकता है,
उसके प्रति रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर, लेकिन ये सॉयल एसिडिटी को नहीं ससेप्टेबल होता, मतलब इसको सह नहीं सकता है। दूसरी भाषा में कहें कि अगर सॉयल का पीएच 7 से ज़्यादा है तो हम गुआवा की खेती आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर कहीं सॉयल की एसिडिटी या सॉयल का जो पीएच है वो 7 से कम है, एसिडिक सॉयल है, तो उस कंडीशन में हम गुआवा को अच्छे तरीके से कल्टीवेशन नहीं कर सकते, गुआवा का कल्टीवेशन बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। रेनी सीजन क्रॉप कैन बी रिमूव्ड बाई स्प्रेइंग ऑफ यूरिया एट द टाइम ऑफ पीक फ्लावरिंग पीरियड। गुआवा जो होता है रेनी सीजन का, इसको हम यूरिया डाल के इसके जब पीक फ्लावरिंग स्टेज होता है, मतलब जैसे अभी मैंने बताया क्रॉप रेगुलेशन करते हैं गुआवा में, तो इसमें क्या करते हैं रेनी सीजन की क्रॉप को अवॉइड करते हैं और विंटर सीजन की क्रॉप को लेते हैं। तो रेनी सीजन की क्रॉप को अवॉइड कैसे करते हैं, उसका सबसे अच्छा मेथड है कि जैसे हमको लगे कि ये पीक फ्लावरिंग स्टेज आ रही है, उसी समय पर हम क्या करते हैं पौधे को ऊपर यूरिया छिड़क देते हैं। तो यूरिया का छिड़काव करने से क्या हो जाता है कि हमारे जो फूल हैं, जो नए नए कलिकाएँ निकल रही होती हैं, उनके अंदर ग्रोथ तेज हो जाती है और वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ ले लेते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ना लेकर वेजिटेटिव ग्रोथ ले लेते हैं। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ अगर लेंगे तो फ्लावरिंग निकल जाएगी, और अगर वेजिटेटिव ग्रोथ लेंगे तो नई नई पत्तियां और कलिकाएं, नई नई पत्तियां और नई नई ब्रांचेस निकल जाएंगी। इसलिए यूरिया का छिड़काव कर देते हैं कि जिससे फ्लावरिंग ना हो। विल्ट इज सीरियस प्रॉब्लम इन गुआवा। गुआवा का जो पौधा होता है या गुआवा का जो बगीचा होता है, उसके डैमेज होने का सबसे बड़ा कारण होता है गुआवा विल्ट। मोर देन 70-80% ऑफ गुआवा डाई ओनली द कॉज ऑफ विल्ट। केवल विल्ट की वजह से 70-80% जो गुआवा होता है वो अपने जीवन काल में, अपनी जीवन अवधि पूरी होने से पहले ही मर जाता है, इतना खतरनाक होता है विल्ट। बिल्ट अगर हम देखें तो बिल्ट का जो सिम्टम होता है वो हमको फ्रूट पर ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये मेन स्टेम में पहुंच जाता है और मेन स्टेम को धीरे धीरे डैमेज कर देता है। तो जो बिल्ट होता है काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होती है गुआवा के लिए। तो बिल्ट जो होता है वो इस तरीके का सिम्टम देखने को मिलता है, ऐसे महीन महीन से काले काले धब्बे देखने को मिलते हैं और ये धब्बे गहरे होते हैं, इसी को हम बोलते हैं बिल्ट। ये कहाँ पर पाया जाता है, अगर एल्कलाइन सॉयल है तो उस एरिया में पाया जाएगा। एल्कलाइन सॉयल बोले तो जिसका इसमें जिसका पीएच थोड़ा सा कम होता है, 7 से कम होता है, वो एल्कलाइन सॉयल माना जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं वैरायटी के बारे में, गुआवा की कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं जो काफ़ी अच्छी मात्रा में ग्रो करी जाती हैं। उसमें जो सबसे अच्छी वैरायटी है वो अलाहाबाद सफ़ेदा है, काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जाती है। दूसरी वैरायटी है लखनऊ 49, जिसको सरदार के नाम से जानते हैं, ये अलाहाबाद सफ़ेदा के सिलेक्शन के थ्रू बनाया गया है। सिलेक्शन क्या होता है, अभी मैंने जो आगे कुछ क्रॉप पढ़ाई है उसमें मैंने डिटेल में बताया था आपको कि सिलेक्शन क्या होता है। अगर आपने वो पीछे वाले लेक्चर देखे होंगे जो क्रॉप प्रोडक्शन का हार्टिकल्चर में चल रहा है, तो आपको याद आ रहा होगा कि मैंने सिलेक्शन के बारे में डिटेल में बताया था। तो अलाहाबाद सफ़ेदा के सिलेक्शन से कौन सी वैरायटी बनाई गई है, लखनऊ 49 वैरायटी बनाई गई है। उसके बाद जो आपकी अगली वैरायटी है वो है चित्तीदार, न्यूमेरियस रेड डॉट इसके स्किन पर पाए जाते हैं। आपने ऐसा एक गुआवा देखा होगा, इस गुआवा पर क्या होता है कि लगता है जैसे किसी ने जो खून होता है, किसी ने ब्लड का छिड़काव कर दिया हो, बहुत महीन सा स्प्रे से खून का छिड़काव कर दिया, इस तरीके से आपका जो गुआवा है वो देखने को मिलता है। उसकी गुआवा की जो ऊपरी स्किन होती है उसी को हम चित्तीदार वैरायटी बोलते हैं। हरीझा ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है बिहार में, बिहार में इस वैरायटी को ज़्यादा ग्रो किया जाता है। फिर उसके बाद है हफ्सी, ये रेड फ्लैश गुआवा होता है, इसका जो गूदा होता है वो लाल कलर का होता है। फिर बेहद कोकोनट काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है, इसकी खास बात ये है कि ये सीडलेस होता है, इस गुआवा के अंदर सीड नहीं पाया जाता है। तो आप इसको ज़रूर याद कर लेना कि बेहद कोकोनट किसकी वैरायटी है, सबसे पहले तो ये किसकी वैरायटी है, ये है गुआवा की वैरायटी। और इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी यह है कि इस गुआवा के अंदर सीड नहीं पाया जाता है, सीडलेस होता है। ललित भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, ललित से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं।
कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ललित किसकी वैरायटी है, तो ललित पिंक फ्लेश वैरायटी है, ये डुअल पर्पज़ फ्रूट होता है, मतलब इसकी प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं आराम से, इसका जैम जेली बना सकते हैं, और इसके साथ साथ इसको हम रॉ पका हुआ अमरूद खा भी सकते हैं। फिर एक कोहिर सफ़ेद, कोहिर सफ़ेद जो है ये कोहिर और अलाहाबाद सफ़ेदा के क्रॉस से मिलकर बना है, कोहिर से कोहिर निकल गया और सफ़ेदा से सफ़ेद, तो कोहिर सफ़ेद किसकी किसके क्रॉस से बनाया गया है? कोहिर सफ़ेद जो वैरायटी है एक हाइब्रिड वैरायटी है गुआवा की, जो कि कोहिर और अलाहाबाद सफ़ेदा के क्रॉस से बनाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं सफ़ेद जैम। सफ़ेद जैम जो होता है सफ़ेद से सफ़ेदा और कोहिर, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि जो सफ़ेद जैम वैरायटी है ये भी एक तरीके की हाइब्रिड वैरायटी है गुआवा की, और इसको अलाहाबाद सफ़ेदा और कोहिर के क्रॉस से मिलकर बनाया गया है। इसके बाद है अरका मृदुला, ये भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सीडेड वैरायटी होती है, इसके अंदर का जो सीड होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। हार्ड सीड कैसे होते हैं, उनको खाओ तो दांत में फंस जाते हैं, लेकिन सॉफ्ट सीडेड में ऐसा नहीं होता है। और इसके साथ साथ ये ड्वार्फ वैरायटी है, मतलब इसकी हाइट कम रहती है, तो इसको हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग में भी आराम से ग्रो कर सकते हैं। वैरायटी का क्या नाम है? अरका मृदुला। इसके बाद जो अपनी अगली वैरायटी है अलाहाबाद सफ़ेदा, ये फेमस वैरायटी है, अलाहाबाद में ज़्यादातर ग्रो करी जाती है। फिर उसके बाद है अलाहाबाद सुरेखा, फ्रूट विथ डीप पिंक फ्लैश, इसका पिंक कलर का फ्लैश होता है, मतलब इसका जो गूदा होता है वो पिंक कलर का होता है। वैरायटी का नाम है अलाहाबाद सुरेखा। उसके बाद फिर एप्पल कलर, एप्पल कलर जो वैरायटी है वो भी गुआवा की ही वैरायटी है, ये भी पिंक कलर का ही होता है। एक चीज़ याद करना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था सेब वैरायटी, तो सेब वैरायटी किसकी है? सेब वैरायटी है आपकी बेर की। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाया बेहद कोकोनट, बेहद कोकोनट किसकी वैरायटी है? ये गुआवा की वैरायटी है। इसके बाद एप्पल कलर, एप्पल कलर किसकी वैरायटी है? ये भी गुआवा की ही वैरायटी है। तो ये जो कुछ कंफ्यूजिंग वैरायटीज़ हैं इसको ज़रूर याद कर लेना, कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो आपका जो ये हाइब्रिड 45 है, ये अलाहाबाद सफ़ेदा और सरदार, जिसको हम लखनऊ 49 के नाम से जानते हैं, इन दोनों के क्रॉस से बनाया गया है। वैरायटी का क्या नाम है? हाइब्रिड 45। किस से बनाया गया है? अलाहाबाद सफ़ेदा और लखनऊ 49 के क्रॉस से बनाया गया है। लखनऊ 49 को और किस नाम से जानते हैं? लखनऊ 49 को सरदार के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी अच्छी हाइब्रिड वैरायटी है गुआवा की, यू हैव टू रिमेम्बर इट। इसके बाद है डिजीज़। डिजीज़ में कौन कौन से डिजीज़ हैं जो गुआवा के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं? उसमें है गुआवा बिल्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया कि गुआवा के डेड होने का, गुआवा के ऑर्चर्ड का ख़राब होने का सबसे ज़्यादा जो मेन वजह होती है वो होती है गुआवा बिल्ट। गुआवा बिल्ट में कौन कौन सा? एक तो होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, वैरायटी होती है PCD। तो ये जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम होता है ये गुआवा का बिल्ट की डिजीज़ होती है। इस तरीके का सिम्टम देखने को मिलता है, सबसे पहले ये फ्रूट में देखने को मिलता है, फिर धीरे धीरे ये पूरे पौधे पे फैल जाता है और पूरा पौधा सूख के डेड हो जाता है। सिम्टम फर्स्ट अपीयर इन प्लांट एंड लीफ ऑफ द यंग प्लांट इज ड्राई अप। जब ये सिम्टम देखने को मिलता है फ्रूट पर, लीफ पर, फिर धीरे धीरे मेन स्टम पर देखने को मिलेगा और धीरे धीरे ये पूरा पौधा ही सूख जाएगा। अगर हम इसका मैनेजमेंट की बात करें तो सॉयल ड्रेंच विथ कार्बेंडाजिम और बाबिस्टिन। कार्बेंडाजिम और बाबिस्टिन फंगिसाइड होते हैं, इनके क्रॉस से कार्बेंडाजिम या फिर बाबिस्टिन ये एक तरीके का फंगिसाइड होता है जो कि सॉयल के अंदर मिक्स किया जाता है। इसको कैसे मिक्स करेंगे? 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मिट्टी में छिड़काव कर देंगे और इसके बाद मिट्टी को पलट देंगे, मतलब मिट्टी में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, अगर हम रेजिस्टेंट वैरायटी को ग्रो करें। रेजिस्टेंट वैरायटी में कौन सी वैरायटी? अगर हम अलाहाबाद सफ़ेदा को ग्रो करते हैं तो हम इसका जो गुआवा बिल्ट वाली डिजीज है इससे बच सकते हैं, क्योंकि अलाहाबाद जो सफ़ेदा होता है ये गुआवा बिल्ट के प्रति रेजिस्टेंट है, इसमें गुआवा बिल्ट की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद फिर आता है इंसेक्ट और पेस्ट। गुआवा में कौन कौन से इंसेक्ट और पेस्ट लगते हैं? उसमें पहला तो है स्ट्रिप्ड मिलीबग,
ये इस तरीके का मिलीबग होता है, जैसा कि मैंगो मिलीबग होती है बिल्कुल वैसे ही मिलीबग इसमें भी होती है, सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। फ्रेसिया बिरगाटा ये सीरियस पेस्ट होता है जो कि साउथ इंडिया में ज़्यादातर पाया जाता है। गोवा में ये बीमारी ज़्यादातर साउथ इंडिया में देखने को मिलती है, सॉरी गोवा में ये जो इंसेक्ट होता है ये ज़्यादातर साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा कम मिलता है। इसके बाद है टी मॉस्किटो बग, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सॉरी गोवा का टी मॉस्किटो बग ये भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस पेस्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं हेलो पेल्टिस एंटोनी। क्या बोलते हैं? हेलो पेल्टिस एंटोनी, ये IARI में पूछा गया था, IARI का जो PhD का एंट्रेंस होता है। बात समझना, गुआवा का टी मॉस्किटो बग इस तरीके से देखने में लगता है। ये करता क्या है कि गुआवा का जो सेल शेप होता है, इसके जो फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर के सेल शेप को चूसता है, तो जिससे हमारे जो गुआवा होती है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। उसके बाद है कॉर्की आउट ग्रोथ, यानी कि स्केब फॉर्मेशन इन गुआवा, गुआवा में स्केब टाइप की फॉर्मेशन होती है, इस तरीके की फॉर्मेशन जिसको गुआवा स्केब भी बोलते हैं, इस तरीके का एक इंसेक्ट हमको देखने को भी मिलता है गुआवा में। इसके बाद जो अगला है वो है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन गुआवा, गुआवा में हमको कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी देखने को मिलते हैं। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कैसे होते हैं? ये कुछ इस तरीके के फिजिकल कारक होते हैं जिनसे गुआवा की क्वालिटी जो होती है वो ख़राब होती है, जिसमें सबसे पहला है और एक ही है, यह है ब्रॉन्जिंग। ब्रॉन्जिंग में क्या होता है, जिंक की कमी जब हो जाती है आपके गुआवा में, जिंक की कमी हो जाने की वजह से गुआवा का जो फ्लैश होता है अंदर का जो गूदा होता है गुआवा में वो ब्राउन ब्राउन कलर का हो जाता है, मिठास इसकी चली जाती है, खाने में बहुत ही बेस्वाद सा, बहुत ख़राब सा लगता है। तो इस तरीके का सिम्टम अगर देखने को मिल रहा है तो हमें इसको समझ लेना चाहिए कि हमारे खेत में जिंक की कमी है, इमिडिएटली हमको जिंक सल्फेट का जो है वो छिड़काव कर देना चाहिए, मिट्टी में मिला देना चाहिए। ब्रॉन्जिंग क्या होता है? ब्रॉन्जिंग कोई डिजीज़ नहीं है, ब्रॉन्जिंग कोई इंसेक्ट या पेस्ट की वजह से होने वाली बीमारी नहीं है, ब्रॉन्जिंग एक तरीका का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। एक चीज़ और समझना, कई बार क्या होता है कि जो डिजीज़ होती है और जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं इन दोनों में लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो एक चीज़ समझ लेना कि ये जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं ये डायरेक्टली इन्वायरमेंट से गवर्न होते हैं, इन्वायरमेंट में कोई ख़राबी होती है या फिर किसी न्यूट्रिएंट की कमी या अधिकता की वजह से जो चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, समझ गए। लेकिन अगर कोई डिजीज़ हो रही है तो उसका कोई एक कॉजल ऑर्गेनिज्म होगा जिसकी वजह से वो हो रहा है, ये किसी न्यूट्रिएंट की कमी या अधिकता से होता है या टेम्परेचर में कुछ खास गड़बड़ी की वजह से होता है। लेकिन जो डिजीज़ होती है वो किसी ऑर्गेनिज्म से होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि फिजियोलॉजिकल क्या होता है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और डिजीज़ क्या होती है। अगर नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा सा सब्र रखिए, जब मैं पैथोलॉजी आराम से पढ़ाऊँगा तो पैथोलॉजी में बिल्कुल एक अच्छा सा लेक्चर इस पर लूँगा कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है, डिजीज़ क्या होता है, इंसेक्ट क्या होते हैं और पेस्ट क्या होते हैं। ये सभी जो फंडामेंटल चीज़ें हैं इनको भी मैंने सोचा है कि आपको अच्छे से पढ़ा के इसका भी जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो कन्फर्म कर दूँ। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, आपका जो बेर और गुआवा था वो पूरा हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, आप इनके जो भी सुझाव हैं वो कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ साथ मैं आपसे एक गुजारिश और करूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, जो भी एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं जिनको इस चैनल की ज़रूरत है वहाँ तक इसको आप ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।